हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी एक बहुत ही ऑसम सी रेसिपी और साथ में अपना छोटा सा किचन टूर। सबसे पहले तो मैं रेसिपी शेयर कर दूं। यहाँ पे देखिए, मैंने प्याज और लहसुन का एक पेस्ट बनाया है और साथ में एक कच्चे आम का एक पेस्ट बनाया है। और यहाँ पे मैंने भिंडी को अच्छे से वॉश करके सुखा लिया है। आप देख सकते हैं कि भिंडी का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है, बिल्कुल मीडियम साइज़ का है। और ये जो दो भिंडी दिख रही है थोड़ी सी बड़ी साइज़ में, इसको मैं कट कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, सरसों का या राइस ब्रैन ऑयल, जो भी आप अपने घर में यूज़ करते हैं। और सबसे पहले मैं भिंडी को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। ध्यान रखिएगा कि भिंडी बिल्कुल सूखी हुई होनी चाहिए। अगर भिंडी सूखी हुई नहीं होगी तो ये एक तो जो इसमें लेस निकलता है ना, वो निकलेगा, जो कि खाने में फिर अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ पे देखिए, मैं इसको खुले ही अच्छे से फ्राई कर लूँगी। बहुत एक्सेस में इसको फ्राई नहीं करना है कि बिल्कुल इसका साइज़ ही बिल्कुल सिकुड़ जाए। इसको आप कुरकुरी अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा। अभी मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसे, कहाँ तक आपको इसको फ्राई करना है। ओवर फ्राई नहीं करना है बस। और यहाँ देखिए कितने अच्छे से कुरकुरी ये फ्राई हो चुकी है। इस रेसिपी के लिए आपको भिंडी का यही साइज़ रखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा जो हम छोटी छोटी भुजिया भिंडी बनाते हैं ना, वैसे नहीं रखना है, बिल्कुल यही साइज़ रखना है, तभी भिंडी का लुक भी अच्छा आएगा और खाने में भी अच्छा लगेगा। और यहाँ पे देखिए फ्राई हो चुका है और मैंने इसे निकाल लिया है ऑयल में से। अगर आपको ऑयल ज़्यादा लग रहा है तो निकाल दीजिए, नहीं तो आप इतना ही रहने दीजिए। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम भिंडी लिया है, उसी के अकॉर्डिंग मैं सारी चीज़ें बताऊँगी। यहाँ पे सबसे पहले मैंने तड़के में हींग जीरा डाल दिया है। हींग ज़रूर डालिएगा क्योंकि भिंडी बादी होता है तो वो गैस भी बनाता है। यहाँ पे मैंने प्याज और लहसुन का पेस्ट डाल दिया अब। और आपके पास अगर अदरक हो तो ज़रूर डालिएगा, मेरे पास इस समय था नहीं तो मैंने नहीं डाला है। आप अदरक लहसुन और पेस्ट, प्याज का पेस्ट बना लीजिए। यहाँ पर मैंने दो छोटे साइज़ का प्याज लिया था और चार छः लहसुन की कलियाँ, इनको मैंने मिक्सी में अच्छे से वो पेस्ट बना लिया था। और यहाँ पे देखिए अच्छे से ये दोनों चीज़ों को अच्छे से पका लेना है। और इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा या स्पेशल मसाले की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने डाल दिया है देगी मिर्च। देगी मिर्च डालने का रीज़न है कि एक तो सब्ज़ी में कलर अच्छा आएगा और साथ में तीखापन भी मिलेगा, दोनों चीज़ें एक ही मिर्च में मिल जाएगा। फिर मैंने यहाँ पर सब्ज़ी मसाला डाला है और यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है 2 चम्मच। और सब्ज़ी मसाला डाल रहे हो आप तो हल्दी थोड़ा सा ही डालिए, क्योंकि सब्ज़ी मसाले में हल्दी बहुत होता है। और अब यहाँ देखिए मसाले में मैंने थोड़ा सा पानी भी मिक्स कर दिया है। और जैसे ही प्याज पक जाए ना, ब्राउन हो जाए, देखिए यहाँ पे प्याज का कलर चेंज हो चुका है, फिर उसके बाद आप इसमें मसाले डाल दीजिए। और अब देखिए मैं अब इसमें मसाले डाल दूँगी, हल्का सा उसमें पानी डालिएगा, 1-2 चम्मच बस, उससे ज़्यादा नहीं। और अब मसाले को अच्छे से पका लीजिए। अगर आपके पास टमाटर नहीं है तो या तो आप इसमें कच्चा आम यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो स्टार्टिंग में आप 2 चम्मच बेसन अच्छे से उसको भून लीजिए, कच्चापन निकल जाए, फिर उसको आप सब्ज़ी में यूज़ करेंगे तो सब्ज़ी की ग्रेवी बहुत थिक बनेगी और सब्ज़ी का टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप टमाटर हो तभी आप सब्ज़ी बना सकते हैं ग्रेवी वाली, अदरवाइज़ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज़ का सब्स्टिट्यूट ज़रूर होता है। तो यहाँ पर मैं भिंडी में ये कच्चे आम का पेस्ट बना के डाल रही हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ 1 से 1.5 चम्मच डालूँगी, उतना ही बहुत होगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा डालेंगे तो सब्ज़ी एकदम खट्टी हो जाएगी। अगर आप बेसन डाल रहे हैं ना सब्ज़ी में, तो आप उसकी जगह पे आप आमचूर पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं कच्चे आम की जगह। अभी तो गर्मी का मौसम है, कच्चे आम का सीज़न है, तो हम कच्चा आम डाल रहे हैं। अगर कच्चा आम नहीं है आपके पास और सीज़न नहीं है तो आप इसमें बेसन को भून के डाल सकते हैं। जब एंड में सब्ज़ी बन जाए तो आप उसमें या तो नींबू का रस या फिर आप आमचूर पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही सारे मसाले और आम का जो हमने पेस्ट डाला था वो अच्छे से सब भून जाए ना, तो आप इसमें डाल दीजिए भिंडी जो हमने फ्राई करके रखी हुई है। और साथ में मैंने यहाँ पर डाल दिया है मैगी मसाला। मैगी मसाला ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन मैगी मसाला डालने से थोड़ा सा सब्ज़ी का टेस्ट और अच्छा आ जाता है। और आपने देखा होगा कि मैंने इसमें नमक भी डाल दिया है। और जब आप फ्राई करो ना, उस वक्त आप नमक मत डालिए, जब आप मसाले भून रहे हो तो उसी दौरान आप नमक डालिए। और यहाँ पे मैंने पानी भी डाल दिया है, और बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला है, जस्ट मैंने 1/2 ग्लास डाल दिया है। और आज मैं भी आपको बताऊँगी कि मैं चावल कैसे बनाती हूँ। यहाँ पर देखिए एक फ्राई पैन में मैंने चावल ले लिया है, और अब अच्छे से मैं इसको कम से कम 3-4 पानी से धुल लूँगी। अच्छे से हाथों से मसल के आप इसको कम से कम 3-4 पानी से धुल लीजिए। और धुलने के बाद आप इसमें पानी डाल दीजिए। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना पानी डालना है। यहाँ पे देखिए
मैं लगभग पौना ग्लास के बराबर मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। और पानी कितना होना चाहिए, जैसे हम कुकर में डालते हैं ना, उतना ही सेम इसमें भी पानी होना चाहिए। शायद थोड़ा सा इसमें मैंने ज़्यादा डाल दिया था, हल्का सा। ये देखिए, मैं दिखा रही हूँ आपको, ये जो बीच वाली उंगली के जो निशान है ना, बस यहीं तक आप पानी रखिए। या अगर आपका चावल थोड़ा सा पानी ज़्यादा सोख रहा है तो हल्का सा ज़्यादा डाल दीजिए, नहीं तो पानी का जो मेजरमेंट होता है वो इतना ही होता है। जो लोग न्यू हैं, न्यू बिगनर्स हैं, जिनको खाना बनाना भी जिन्होंने स्टार्ट किया है या आता नहीं है और चावल बनाना है, उनको इस तरह से, वैसे तो कुकर में डालो और सीटी लगा दो तो हमें कुछ करना ही नहीं होता है, लेकिन अगर हम इस तरीके से खुले में चावल पकाना है तो मेजरमेंट और प्लस गैस का फ्लेम स्लो होना चाहिए, जिससे ये धीरे धीरे चावल बहुत अच्छे से पक जाता है। और अब मैं आपको कराने जा रही हूँ अपने छोटे से किचन का, बिल्कुल नॉर्मल है, बहुत मैंने डेकोरेशन नहीं किया, कुछ नहीं किया, जैसे आम घरों में होता है किचन बिल्कुल सेम वैसा ही है। मेरा किचन इस समय बहुत मैसी हुआ है क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से, ऑलमोस्ट मैं 1 मंथ तक तो हॉस्पिटलाइज थी, तो बच्चे ही काम करते थे और उनको घर और बाहर सारी चीज़ों को देखना होता था, तो इस वजह से किचन बहुत ज़्यादा मैसी हो चुका है, कहीं का सामान कहीं जा चुका है। तो प्लीज़ आप माइंड मत करिएगा। यहाँ पे देखिए सिंक में थोड़े से बर्तन हैं, शाम के बर्तन मैंने धुल लिए थे क्योंकि आज मेड जो है पूरे दिन ही नहीं आई थी, तो इतने ज़्यादा बर्तन मैं कभी स्टोर करके नहीं रखती हूँ कि वही आएगी तो धुलेगी, मैंने धुल लिया था। और चाय पानी के बर्तन पड़े हुए हैं यहाँ पे, देखिए मैंने कांच के ऐसे रैक लगाया हुआ है, और सबसे ऊपर मैंने पल्सेस रखे हैं, जितनी दालें होती हैं सारी रखी हुई हैं, ओट्स रखा हुआ है, और साथ में मैंने नीचे मसाले और कुछ ड्राई फ्रूट्स और अचार वगैरह ये सब रखा हुआ है मैंने सेकंड पे। बहुत जल्दी मैं किचन की डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ, थोड़ी सी और मैं हेल्दी हो जाऊँ। और यहाँ पे देखिए आरओ के साइड में मैंने ये चमचे वगैरह लगा रखे हैं, जिससे पानी अगर गिरे तो सीधे सिंक में ही जाए। एंड प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और जो हम जैसे बिगिनर्स हैं उनको आप प्लीज़, आपका एक लाइक बहुत मोटिवेट करेगा। मेरा किचन नॉन मॉड्यूलर है इसीलिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं हैं। और यहाँ पे देखिए मैं सब्ज़ी चावल ऑलमोस्ट बना चुकी हूँ, तो अभी मैं आपको इसका एक लुक दिखाऊंगी। और यहाँ पे मैंने कुछ मसाले रख रखे हैं, बेसन है और चावल का आटा, और नीचे मैंने नमक और चीनी चाय पत्ती रख रखा है, और साइड में मैंने यहाँ पर मैंने सेंधा नमक, काला नमक, और ये मसालदानी है, और ये स्पून स्टैंड है, रोटी का डिब्बा, यही सब चीज़ें हैं। और किचन ना मेरा एक तरीके से तो बहुत छोटा है, और जो चीज़ें रखी हैं वो बिखरी बिखरी हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो कोई भी रैक नहीं बना हुआ है इसमें पहले से, तो सारी चीज़ें मुझे यूं ही रखनी पड़ रही हैं। और कुछ एक्स्ट्रा जो यहाँ पे देखिए मैंने नीचे सिलेंडर और नीचे और जो राशन होता है यहाँ पे वो सब चीज़ें लगा हुआ है, सर्फ साबुन, कोई मॉड्यूलर तो बिल्कुल भी नहीं है अपनी, एक और जो गैस सिलेंडर रख रखी है, और जो राशन का आटा रखा हुआ है, और कुछ बर्तन है जो रोज़ के यूज़ में नहीं आता है वो रखा हुआ है। और यहाँ पे मैंने बड़ी बड़ी कढ़ाई और बड़े बर्तन और कुछ ऑयल के कैंस रखे हुए हैं, और ये है चावल का डिब्बा। यहाँ पे मैंने नीचे वाले इसमें चावल रख रखा है स्टोर करके, और ऊपर जैसे बिस्किट, नमकीन या और भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो रख रखी हैं। अब आपको मैं चावल का एक लुक दिखा रही हूँ, बस थोड़ा सा और पानी है, और यहाँ पे गैस का फ्लेम मैंने लो करके रखा हुआ है, और लो फ्लेम पे चावल बहुत अच्छे से पक जाता है अगर आप इस तरीके से चावल बना रहे होते तो। और यहाँ देखिए सब्ज़ी की ग्रेवी कितनी थिक बनी है, और इसमें हमने एक भी टमाटर नहीं डाला है और कोई बेसन वेसन का भी यूज़ नहीं किया है। देखिए सब्ज़ी का लुक कितना टेम्पटिंग और कितना टेस्टी दिख रहा है। इस सब्ज़ी के साथ आप रोटी पराठा भी खा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए चावल भी ऑलमोस्ट डन है, और अब ये जो बाकी है ये सब भाप से ही पक जाएगा। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है, और जो स्टीम होगी इसमें उसी से जो भी चावल में कसर होगी वो पूरी हो जाएगी। तो इस सब्ज़ी को बनाइए और इन्जॉय करिए। फिर मिलती हूँ मैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।